आपने हेडिंग वगैरह लिखनी है वो भी आप मार्कर से लिख ले, जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिख ले तो वो भी ठीक है, मार्कर से लिख ले वो भी ठीक है। ड्रा शॉर्ट लाइन आफ्टर राइटिंग ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर आपने शॉर्ट राइटिंग में लिख लेना है, शॉर्ट लाइन लगानी, लीव वन लाइन आफ्टर ईच आंसर। इसकी रीजन भी सुन ले, मतलब आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिख लिया ना तो आप एक लाइन में है, अगर तो आप एक्यूरेट है मतलब इसमें से कोई डाउटफुल नहीं है कि मतलब इसका आंसर यहां तक ही है, आगे कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब एक्यूरेट हमें पता है 100% श्योर है कि इससे आगे कोई लाइन नहीं है, तो फिर आप वो लाइन ना छोड़े। अगर है इफ यू मिस एनीथिंग एंड यू मे राइट इट वंस यू रिमेंबर, एक लाइन जो आपने छोड़ी है तो अगर आप डाउटफुल है तो फिर आप एक लाइन छोड़ दें तो उसमें आपको बाद में जब याद आएगा इफ यू रिमेंबर, अगर रिमेंबर है ये दोबारा याद आएगा फिर आप दोबारा लिख सकते हैं, बट डू नॉट लीव टू और मोर देन टू एम्प्टी लाइन, दो या दो से ज्यादा लाइनें स्किप नहीं करनी, एम्प्टी नहीं लेकर आनी, जस्ट वन। उसकी भी स्पेसिफिक कंडीशन है, अगर आप 100% श्योर है कि इसका क्वेश्चन यहां तक ही है इससे आगे नहीं है तो फिर आप जो है वो लाइन भी स्किप ना करें।